सुल्तानपुर के स्कूल के बाहर मिला शव। जीआईसी स्कूल की बाउंड्री के पास पड़ा था शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव की नहीं हुई शिनाख्त। सुल्तानपुर में कोतवाली नगर से महज चंद कदमों की दूरी पर जीआईसी स्कूल मौजूद है। यहाँ पर एक शव मिलने से काफी हड़कंप मच गया। किसी को नहीं पता कि वो आदमी कौन है और स्कूल की बाउंड्री के पास कैसे उसका शव मिला। बस शहर में तमाम तरीके की बातें हो रही हैं और पुलिस लगातार शव की शिनाख्त करने के लिए जुटी हुई है। पूरा मामला बीते दिन का है, जहां सुबह सुबह जीआईसी स्कूल की बाउंड्री के पास एक आदमी पड़ा हुआ था। लोगों को लगा कि हो सकता है कि कोई शराब के नशे में धुत होकर गिरा हुआ हो, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी जब उस शरीर में कोई हलचल नहीं हुई तो खुद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसकी छानबीन की। इस दौरान भी सामने पड़े हुए शरीर में कोई हलचल नहीं हुई, जबकि आसपास से कई लोग आते जाते रहे, शोरगुल होता रहा। पुलिस को शक हुआ और जब चेक किया गया तो पता चला कि युवक की मौत हो चुकी है। पुलिस ने तुरंत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामला दर्ज किया। बताया जा रहा है कि शव की शिनाख्त करने की तमाम कोशिशें की गईं, लेकिन कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिला कि ये आदमी कौन है। पुलिस ने कहा कि लगातार चेक किया गया कि कहीं पर ऐसे आदमी के खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ हो या फिर कोई इसकी खोजबीन करता हुआ आए, लेकिन इस मामले पर कोई भी उस युवक की खोजबीन करने नहीं आया। इस मामले पर कोतवाल राम आशीष उपाध्याय ने बताया कि लाश संदिग्ध हालत में मिली है, लगातार इसकी पहचान करने की कोशिश जारी है, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई है, इसीलिए शव को मर्चरी में रखा गया है। वहीं युवक की मौत कैसे हुई ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पता लगाया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुल्तानपुर से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ अफजल खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।